प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपबेशुंदुनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीर्तल उज्ज्वल हीरंबर हर दमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गण नायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों सीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरू विनती करूं दरूं चरण पर शीश गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो मैं बांधी जो गुलाम। कुत्ता हूँ गुरु देव का रामपाल दास का नाम गले प्रेम की जेवड़ी
जाखे चो जाऊं तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं जो राखो तो ही रहूं जो देवो सुख जय इब के सतगुरु मिले सब दुखी आँखों रोए चरणों ऊपर शीश धरूं कहूं जो कहनी हो कबीर गुरु जी मिलेंगे पूछेंगे कुशलात आदि अंत की सब कहूं अपने दिल की बात गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं हमसे तुमको बहुत हैं तुम जैसे हमको नहीं तुमरे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं शिव बिरंच मुनि नारदा तिनके हृदय न समाऊं अब गुण किए तो बहुत किए अब गुण किए तो बहुत किए करत नवनी होर बावें बंदा बख्श दियो बावें गर्दन उतार अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज जो मैं पूत कुपूत हूँ बोहर पिता को लाज मैं अपराधी जन्म का नक से कबरे विकार तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संवार सूरत करो मम साईया हम हैं भव जल माही आप ही बह जावांगे जो तुम न पकड़ोगे हे बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े जैसे काग जहाज का अब सूझत और न ठोरी परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आज हम सबको ये सत्संग सुनने को मिला बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है उससे भी पुण्यकर्मी प्राणी वो है जो सत्संग प्राप्त कर लेता है पुण्यात्माओं आप सभी उन विशेष पुण्यात्माओं में से हो परमात्मा की आप विशेष प्रिय आत्मा हो जो सत्संग सुन रहे हैं सत्संग में आने से हमें ज्ञान होता है कि हमारा जन्म हुआ किस लिए हमारा जन्म हुआ तो मृत्यु क्यों हो रही है हम सारा जीवन जिन भी वस्तुओं को कलेक्ट करने में लगा देते हैं कोई मकान बनाया है कहीं कोई कार खरीदी है कितने कोई मोटरसाइकिल ली है और अन्य बहुत सा सामान हम इकट्ठा करते हैं और फिर हम तुरंत मर जाते हैं मृत्यु हो जाती है हम सारा जीवन यही सोचते रहते हैं कि ये घर मेरा है ये परिवार मेरा है
ये पुत्र मेरा है या बेटी मेरी है, ये कार मेरी है या कोठी मेरी है। मृत्यु के तुरंत बाद इस शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और जीव का पता नहीं वो कहाँ चला जाता है। तो ये हमारा कहाँ था, ये हमारा कैसे हुआ, ये प्रत्येक प्राणी को ये ज्ञान है कि मृत्यु बहुत बुरी चीज है और सभी मृत्यु से डरते हैं और मृत्यु कंपलसरी। तो ये ऐसा क्यों हो रहा हमारे साथ कि हम मृत्यु से डरते हैं? अपने शरीर की रक्षा के लिए हम अपने प्रॉपर्टी को भी बेच करके ट्रीटमेंट पर लगाना उचित समझते हैं ताकि हमारा जीवन बना रहे, और सब कुछ करने के उपरांत भी एक दिन मृत्यु होनी ही होनी है। और ये मृत्यु हमें बिल्कुल खटकती है, कति नहीं अच्छी लगती। इसका कारण क्या है? कभी माइंड पर थोड़ा बहुत हम विचार करने की सोचते, वजन डालते हैं तो कोई विकल्प नज़र नहीं आता था, क्योंकि हम देखा करते थे कि जिनको हम भगवान मानते हैं वो भी मरे, श्री राम श्री कृष्ण, और उनकी मृत्यु देखी जाए तो बहुत आम व्यक्ति से भी गलत ढंग से हुई। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली जीवित, भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मार के उनका वध हुआ। तो अब हम सोचने पर विवश हो चुके कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो हम इतना वजन नहीं देते थे क्योंकि हम सोच लेते थे मृत्यु होगी, लेकिन अभी नहीं। कोई 20 वर्ष का है, कोई 30 वर्ष का है, वह सोचता भी थोड़ा मरना, मेरी तो 60 70 80 90 वर्ष की उम्र बताते हैं। और जो 80 90 तक पहुंच चुके हैं उनसे पूछकर देख लो, वो भी नहीं चाहते मृत्यु हो, कहते हैं अभी तो और 10 20 वर्ष है, 100 वर्ष तो जीते ही हैं। और कभी भी मृत्यु हो जाती है तो हमारा जो एस्टीमेट था वो गलत हो गया। तो हमारा एस्टीमेट एक जीव का एस्टीमेट है, अप्रोक्सीमेशन है। तो इसके लिए हमने परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस ज्ञान पर चलना पड़ेगा, तभी हम सफल होंगे। अब हम मृत्यु को बिल्कुल पसंद नहीं करते, मृत्यु हो रही है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हम ऐसे स्थान से आए हुए हैं जहां मृत्यु नहीं होती थी और वृद्ध अवस्था भी वहां नहीं थी। प्राणी मनुष्य जीवन प्राप्त करके बुढ़ापा पसंद नहीं करता और कंपलसरी मृत्यु पसंद नहीं करता, कंपलसरी होगी। तो ये वहां नहीं थी जहां से हम आ गए अपनी गलती करके। अब चाहे कोई 70-80 साल वर्ष का हो गया है, वो भी नहीं सोचा मैं युवा दिखाई दूं, और किसी अच्छा कोई सेठ है या कोई राजनेता है, पैसे का ब्योंत है, विदेशों में जा करके फॉरेन में जाके और पूरी अपनी स्किन वो कराते हैं चेहरे की, दोबारा उसकी बढ़िया मेकअप बनवा का हो, सर्जरी करवा के एक और युवा दिखाई दूं। कितने दिन हो गया सर्जरी कामयाब, और फिर कभी गोली से मारा जा, एक्सीडेंट दुर्घटना मर जाता हुआ रहेगी मेकअप बड़ी बनाई। तो जो हमने इस मिट्टी से लाभ लेना था उसका हमने पता नहीं चला इसको कैसे सदुपयोग करें। हम ऐसे लोक में रहते थे जहां वृद्ध अवस्था नहीं आती थी, सदा युवा रहते थे और मृत्यु नहीं होती थी। और जब तक हम उस स्थान पर नहीं जालेंगे तब तक यो रोग कटे नहीं या समस्या समाधान हो नहीं सकता। उसके लिए जानकारियां सत्संग में बताई जाती है। क्या बताया जाता है? तू कौन कहां से आने फंदा,
देखो आगे वराणी क्यों जलता, तू कौन कहां से आण फस्या, यहां आगे वराणी क्यों जलता, चल थीर करूं अवगत नगरी जा चोर सुहंगम अजब ढूरता। क्या बताते हैं कि तू कहां से आके फंस गया और यहां बिराणी आग में जल रहा है, और परमात्मा कह रहे हैं कि चल तुझे वहां ले चलता हूं जहां जीव कभी नहीं मरता, उस लोक में चलो जहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होगी, वो सत्यलोक है। सत्यलोक से हम सभी आए हुए हैं और यहां हम कैसे आ गए, हमसे कौन सी भूल बनी थी, ये भी परमात्मा ने ही आकर हमें याद दिलाई है। क्योंकि हम जो गलती वहां कर चुके थे हम उसको गलती नहीं मान रहे थे, जो हम सतलोक में गलती किया करते थे हमने उस गलती को गलती नहीं माना था, इसलिए हमें आज तक भी ये महसूस नहीं हुआ था कि हमने कौन सी गलती कर दी जो यहाँ दुर्गति हो रही है। तो ये जानकारी आपको सत्संग में बताई जाती है, दी जाती है, और ये ज्ञान जो आपको सुनाया जा रहा है ये परमेश्वर ने स्वयं आकर ही बताया है। पुण्यात्मा ये अमर कथा जो आपको सुनाई जा रही है ये सत्यनारायण कथा है, और हमने जो कथाएं सुन रखी हैं वो सत्यनारायण कथा नहीं थी। सत्यनारायण का अर्थ होता है सत्य नारायण, सत्य माने अविनाशी, जिसका नाश कभी ना हो, सच्चा भगवान, सच्चा साहेब, हम सत साहेब बोलते हैं उसको, और पहले उसको सत्यनारायण कहा करते थे, सत्यनारायण। नारायण का क्या अर्थ होता है कि जल के ऊपर विराजमान होने वाला परमात्मा, वो परमात्मा नारायण जो है ये कबीर देव है, कबीर साहब है, जो जल के ऊपर आके विराजमान होता है कमल के फूल पर, ये सत्यनारायण है, ये अविनाशी परमात्मा है, हम इसको सत साहब बोलते हैं, सत साहब, जैसे साहब कहते हैं साहब, ये फलाना साहब, ये मंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, तो हम उसको बोलने में थोड़ा साहिब बोल देते हैं, बोलने में सुथरा सा लग है साहिब, नहीं तो ये सत साहब कहो, सत साहब, सत साहब, एक ही बात। तो सत्य साहिब यानी सत्यनारायण भगवान, सत्यनारायण, सत्य माने सच्चा अविनाशी। तो हम जिनको सत्यनारायण मानकर उनकी कथा सुनते और सुनाते थे वो सत्यनारायण नहीं थे, वे अविनाशी नहीं थे, जैसे विष्णु जी, श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी, ये नाशवान थे। तो हमने अभी तक न तो सत्यनारायण का ज्ञान था और न ही सतलोक का। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उसी परमेश्वर की कृपा से। सनातन परम धाम और परम शांति, जब तक जन्म मृत्यु है जीव को शांति नहीं हो सकती, क्योंकि इस पृथ्वी पर आप किसी भी जीव को देख लो, किसी को भी चैन नहीं है। हम राजा लोगों को ये समझते थे ये बड़े सुखी हैं, इन जैसा दुखी धरती पर इंसान नहीं, ये सत्कर्मा लें। अब इनके बस की बात नहीं, ये राज ना करें, क्योंकि इनके भाग में लिख रखे हैं, इसकी इनकी तख्त किस्मत है, पिछले पुण्य हैं, उन पुण्यों के प्रतिफल में उनको ये समस्या मिली हुई है। देखो
एक छोटे से परिवार का एक मुखिया होता है जिसमें 5-7 सदस्य होते हैं, उनकी व्यवस्था में वो कितना दुखी रहता है। किसी कोई बीमार हो गया, किसी के कपड़े लेने हैं, किसी की फीस भरनी है, फिर विवाह के योग्य हो गए, विवाह ना हुआ तो चिंता होगी, तो फिर आगे मनवाने और समस्या, पुत्र ना हुए उनके तो समस्या। तो कहने का भाव ये है, वो एक ही छोटे से परिवार के पोषण में रात को भी सपने में भी दुखी रहता है। और राजा तो एक बहुत बड़े क्षेत्र का मुखिया बन जाता है, पिता बन जाता है। राजा प्रजा का पिता होता है, और उसको कितनी चिंता रहती है, कहीं फ्लड आ गया है तो राजा को धक्क देसी होगी, कि दुर्घटना होगी तो उसकी उसी को समस्या होती है, कहीं कुछ बनाना है, कहीं कोई अशांति फैल गई है, कोई MLA खिसकन की सोच रहा है तो नींद आवे नहीं। तो यहाँ कहते हैं परमात्मा कि यहाँ शांति नहीं किसी प्राणी को। राजा लोग निर्धन तो सोचता है धनवान सुखी, धनवान सोचते हैं कि राजा सुखी, राजा सोचता है कि भाई स्वर्ग में बतावें सुख तो वहाँ होगा। ये सत्कर मान लेना आप, इन राजा लोगों को सुख नाम की चीज नहीं है, सपने में भी नहीं सुख इनको। और फिर ये सोचते हैं स्वर्ग में सुख है। जिन बकवादों को हम सुख मानते हैं वो सुख नहीं है। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लग्या हुआ है जो कीड़ी का नाल। अब राजा सोचते हैं कि स्वर्ग में सुख होगा। अब स्वर्ग के देवता जो उनकी उनकी दुर्गति उनके इतिहास पढ़ कर देखो पुराणों में, कभी असुर और देवताओं का, सुर असुरों का युद्ध हो गया, राक्षसों का, कभी देवता हार गए कभी असुर हार गए। इंद्र जो स्वर्ग का राजा होता है गद्दी छोड़ भाग गया, असुरों ने कब्जा कर लिया स्वर्ग पर, वो कहीं जंगल में भूखा प्यासा भटक रहा है। और इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। ये तीन लोक के एक एक विभागीय मंत्री हैं। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश कितने सुखी हैं? श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र के रूप में राजा दशरथ के घर जन्म जब श्री विष्णु जी का हुआ, युवा हुए, युवा होते विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास से सीता का हरण हुआ यानी उसकी पत्नी का, रावण उठा ले गया, और फिर रावण के साथ युद्ध हुआ, पुण्यात्माओं करोड़ों व्यक्ति मारे गए वहां पर, तब सीता की वापसी हुई। वापसी आने पर बड़ी खुशी मनाई, नगरी में दीप जलाए गए घी के, सीता के वापस श्री राम के वापस आने पर, सीता लौटा लाने पर। और कुछ दिनों के बाद सीता जी का निष्कासन कर दिया श्री रामचंद्र जी ने स्वयं ही। किस बात पर के एक धोबी ने व्यंग कस दिया, वो अपनी पत्नी को धमका रहा था रात्रि के समय। वो किसी उस आपस में कहा सुनी होने से उस धोबी की पत्नी घर से बाहर चली गई थी कहीं अपने रिश्तेदारी में। फिर वो वापस लेकर आया तो उसको धमका रहा था कि मैं तुझे घर नहीं रखूँगा, तू 3 दिन कहाँ रही, मैं दशरथ के पुत्र जैसा नहीं हूँ जो वहाँ पर 12 वर्ष तक रावण के पास रही, उसको फिर घर ले आया। उधर से श्री रामचंद्र जी राजा थे अयोध्या के, पहले राजा लोग अपनी प्रजा के दुख सुखों को स्वयं ही जाना करते थे,
रात्रि के अंदर वेश बदल कर घूमा करते थे। ये बात जब देखा कि किस घर में की आवाज आ रही है, वहां खड़ा होकर सुना, तब उसने सुनने को मिला कि मैं उस राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं जो रावण के पास उसकी पत्नी रही और उसको घर में रखे हुए है, तो सुबह निकल जाना यहां से। इस बात को सुनकर ही श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को निष्कासित कर दिया, निकाल दिया घर से, कि नगरी के लोग मेरे ऊपर व्यंग कस रहे हैं और मैं ये बात नहीं सुन सकता। पुण्यात्माओं, जब सीता जी को रामचंद्र जी लाने लगे रावण का वध करके लंका का राज्य विभीषण को देख, तब श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि मैं तेरी परीक्षा लूंगा और यदि परीक्षा में सफल होगी तो मैं ले चलूंगा, नहीं तो नहीं ले चलूंगा। मैं तुझे अग्नि में जलाऊंगा, यदि तू अग्नि में जल गई तो समझूं तेरी कि तू कलंकित थी, तू रावण को समर्पित हो चुकी थी, और यदि अग्नि में तू नहीं जली तो मैं निष्कलंक जानूंगा, तब तुझे ले चलूंगा। ऐसा ही किया गया, सीता को अग्नि में बैठा दिया और हजारों की संख्या में दर्शक थे, सीता जी नहीं जली और सब ने कहा कि भगवान निष्कलंक है, माई निष्कलंक है। और इतनी कठोर परीक्षा लेकर के वापस अपने घर लाया था और फिर एक व्यक्ति के कहने से श्री रामचंद्र जी ने उसको निकाल दिया, अपनी पत्नी को। तो कहाँ गई वो उसका अपना जजमेंट? तो ऐसे ये राजा के योग्य भी नहीं थे ये लोग, और हम इनको भगवान मान रहे थे। एक गर्भवती औरत को अपनी को और घर से बाहर निकाल देता है, कहीं मरो कहीं जाओ, कोई बात थी या? फिर परीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? और क्यों इतनी दुनिया मरवाई, फिर छोड़ देता रहे, रावण के पास ही रहती हो। पुण्यात्मा, यहाँ का राजा काल भगवान है और ये नहीं चाहता कि इन यहाँ के प्राणियों को परमात्मा का पता लग जाए, जिस कारण से इसने इनको भगवान सिद्ध करवा रखा था अपने नकली दूतों के माध्यम से। और फिर क्या होता है, लास्ट में श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ घोड़ा छोड़ दिया कि पूरी पृथ्वी पर शासन प्राप्त करने के लिए, कि इस घोड़े को जो पकड़ेगा वो युद्ध करे मेरे साथ। वो घोड़ा उन्हीं के पुत्रों ने, जो सीता जी ने बाहर जाके जन्म दिया था ऋषि वाल्मीकि की कुटिया में, एक पुत्र गर्भ में था, दूसरा फिर वाल्मीकि जी की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण एक घास से, यानी कुसा से, या घास होती है डाब, इससे एक लड़का बनाया था, ये अलग कहानी है फिर बताएंगे। तो लव और कुश नाम से प्रसिद्ध हुए। लव तो सीता के गर्भ से जन्म हुआ था और कुश को वाल्मीकि जी ने अपनी भक्ति शक्ति से उसको बनाया था। लव और कुश युवा थे, उन्होंने वो श्री रामचंद्र जी का घोड़ा पकड़ लिया। फिर उनका पिता पुत्रों का युद्ध हुआ तो दोनों ने छक्के छुड़ा दिए राम के, और सीता जी फिर भी उनके हाथ नहीं आई और वो पृथ्वी के अंदर समा गई। और श्री रामचंद्र जी ने आकर के सरयू नदी के अंदर, यहूदा के साथ से बह रही एक सरयू दरिया, उसमें जल समाधि ले ली इसी दुख में। अब श्री कृष्ण जी का इतिहास देख लो, श्री विष्णु जी अवतार श्री कृष्ण जी, श्री राम वाली श्री रामचंद्र जी के जीवन वाला भोग भोग के वो प्राणी श्री कृष्ण रूप में फिर जन्म हुआ, सारा जीवन दुखी रहा श्री कृष्ण, सारा जीवन जेल में जन्म हुआ, मात पिता कैद में, कभी मामा शत्रु हो गया, कभी पूतना मारने जा रही है, कभी केसी, कभी चाणौर शत्रु हो गया,
कभी जरा सिंह लड़ने को आ रहा है, कभी शिशुपाल से युद्ध हो रहा है, कवा सुनी हो रही है, और कभी फिर कल्यवन आ रहा है। इस दुख में श्री कृष्ण जी ने मथुरा का त्याग कर दिया और ऐसे स्थान पर रहने लगे जहां कोई ना पहुंच सके। समझदार व्यक्ति यही सोचते हैं, राड़ से बाढ़ अच्छी होती है, झगड़े से बचाव अच्छा होता है। श्री कृष्ण जी उन सबको भी मार सकते थे, क्योंकि वो त्रिलोक के में एक विभागीय मंत्री है, एक विशेष शक्ति होती है प्राणी में, वो उनके अंदर शक्ति थी। लेकिन यही सोचा था कि किस किस ने मारूं, या तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट। तो श्री कृष्ण जी ने द्वारका बनाई, समुद्र के बीच में एक टापू था जिसका केवल एक गेट था, द्वारिका, एक द्वार की नगरी। और ये सोच करके वहाँ यदि इतनी दूर पहले तो कोई आवेगा नहीं, ऐसे स्थान पर जा रहे हैं हम, और वहाँ कोई आवेगा युद्ध करने, तो हम एक ही सत्रप से उसका सामना कर सकते हैं, इसलिए एक गेट था उसका और बाकी तीन समुद्र था तीन तरफ। तो वहाँ श्री कृष्ण जी चले गए, अपना अधिकतर सारा ही जीवन वहाँ व्यतीत किया, या तो ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल के 20 वर्ष के तक यहाँ रहे थे द्वारका में, और बाकी फिर लगभग 200 वर्ष तक जिए थे श्री कृष्ण जी, और बाकी का समय द्वारका में व्यतीत किया था उन्होंने। तो अब ये जो लोग अनजान संत ऋषि ये गुरु नकली हमें भ्रमित करते हैं कि द्वारका का उस गोवर्धन का की परिक्रमा करनी चाहिए और वृंदावन अवश्य जाना चाहिए, मथुरा में अवश्य जाना चाहिए, वहाँ हमारे भगवान ने लीला की है, उनके चरण कमल टिके हैं, वहाँ घूमा करते थे, स्नान किया करते थे। अरे श्री कृष्ण जी यहाँ तो 20 वर्ष रहे थे इस मथुरा में, बाकी 180 साल तो वहाँ रहे हैं द्वारका में, और वहाँ का नामो निशान मिट गया उस द्वारका को, इसलिए वहाँ खत्म की द्वारका, समुद्र में डूब गई श्री कृष्ण जी की मृत्यु के बाद, और यादों का विनाश हो गया था, आपस में लड़के मर गए थे, और जो बाकी शेष औरतें बची थी उनको अर्जुन ले आया था, सब खाली हो गई थी द्वारका, उसके बाद वो समुद्र ने डबो दी थी, अंदर चली गई। कारण यही था कि भगवान ने सोचा कि यहाँ आएंगे फिर ये धक्के खान द्वारका में इतनी दूर, इसलिए उसका नामो निशान मिटवा दिया था। अगर आज द्वारका होती तो ये नकली कहते द्वारका में भगवान रहे थे, वहाँ जाया करो, वहाँ बहुत पुण्य होता है। उस द्वारका में तो सत्यानाश होया था, सारे यादों कटका मर गए थे वहाँ पर, आज भी जाते हैं वहाँ बहुत से श्रद्धालु। तो कहने का भाव ये है कि जब तक आत्म ज्ञान बिना नर भटके, इस तत्व ज्ञान बिना नर भटके, कदे मथुरा कदे काशी। फिर श्री कृष्ण जी का फिर कैसे अंत हुआ, श्री कृष्ण जी के सामने पूरा यादव कुल आपस में लड़का मर गया, पोते पड़पोते रिश्तेदार सब आपस में कटका मर गए, और वो सारा सांग देख कर, वो सारा अनर्थ देख कर जब श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई, एक परिवार के सामने एकादे की मृत्यु हो जाती है, उसका कलेजा फट जाता है, रो रो के पागल हो जाता है इंसान। तो पुण्यात्माओं, आज तक हमें सत्यनारायण कथा नहीं मिली थी, और ये सत्य कथा है। सत्यनारायण का अर्थ है सच्चा भगवान, और सच्चे भगवान की सच्ची कहानी, सच्ची कथाएं। तो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने बताया कि तुम जब तक जन्म और मृत्यु के अंदर हो, सुख नहीं हो सकता, शांति नहीं हो सकती। अब इंद्र सोचता है ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे, अब इन ब्रह्मा विष्णु महेश की आप देख रहे हो, श्री राम की, श्री विष्णु जी की, श्री कृष्ण जी की कैसे दुर्गति हुई। श्री कृष्ण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश सोचते हैं कि परमात्मा कोई और है, हम सुखी नहीं हैं। अब प्रसंग चल रहा है कि सत्यनारायण कथा जो है
सत्यनारायण का अर्थ अविनाशी परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश ये सत्यनारायण नहीं है। श्री विष्णु जी को हम सत्यनारायण जानकर किसकी कथा सुना और सुनाया करते थे, सुनते और सुनाते थे। आपको दिखाते हैं कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये सत्यनारायण नहीं थे, अविनाशी भगवान नहीं थे, ये नाशवान थे, इनकी जन्म मृत्यु होती थी। एक झलक दिखाएंगे आपको, समझदार को संकेत बहुत होता है। देखिएगा श्रीमद देवी भागवत, श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये इसके संपादक हैं अनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। ये कहाँ से मुद्रित है, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसका एक थोड़ी सी झलक दिखाते हैं, 123 पृष्ठ तीसरा स्कंद, 123 पृष्ठ है ये तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु, श्री विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए बता रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हें से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, हमारा आविर्भाव और त्रोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म और त्रोभाव माने मृत्यु, हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, ये गीता जी में काम आओगे आपके। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। ये स्पष्ट हो गया, शंकर भगवान कहता है कि मैं जब ब्रह्मा भी आपसे उत्पन्न हुआ तो उसके बाद मेरी उत्पत्ति हुई, क्या मैं आपका बच्चा नहीं हुआ, मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। ये शिवे उसी को बोलते हैं दुर्गा को। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी, शंकर भगवान नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस पवित्र पुराण ने, इस श्रीमद देवी भागवत पवित्र पुराण ने चार कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ये कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये सत्यनारायण नहीं है। और दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है तीनों की। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और चौथा कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, यानी जिसके भाग्य में जो कुछ लिखा है उतना ही दे सकते हैं, दुख है तो दुख ही देंगे, ये उसमें परिवर्तन नहीं कर पाओगे, और सुख है आपके भाग्य में तो उसको भी यदि आप इनकी भक्ति करते हो तो निर्बाध दिला देंगे, लेकिन ये कर्म आपके कर्म में दुख है तो उसको परिवर्तन नहीं कर सकते, ये किसी भी प्रकार के पाप कर्म दंड का नाश नहीं कर सकते, ना संचित कर्म को नाश कर सकते और न ही ये प्रारब्ध के कर्म का नाश कर सकते। और संचित जो हम कर रहे हैं, जो क्रियावान हैं, ये भी उसको नहीं बदल सकते। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, श्री कृष्ण जी ने बहुत कोशिश की यानी विष्णु जी ने कि ये युद्ध ना हो, उनकी सौ सौ प्रयत्न करने पर भी युद्ध होकर ही रहा, तो जो क्रियावान कर्म थे वह भी ना बचे, उनको भी नहीं चेंज कर सके, नित कितना अनर्थ हुआ,
करोड़ों व्यक्ति मारे गए, वो सारा पाप पांडवों के सिर पर रखा गया और प्रारब्ध के कर्म को ये अपना भी नहीं काट सकते। प्रारब्ध तो दूसरों का नहीं, कैसे काटेंगे? जैसे श्री राम रूप में श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के भाई बाली को मारा था, धोखा देकर वृक्ष की ओट लेकर तीर मारा था, उसका भी बदला देना पड़ा, वो भी कर्म दंड भोगना पड़ा। उसके प्रारब्ध में लिखा गया वो कर्म श्री कृष्ण रूप में, जो बाली वाली आत्मा थी वो तो एक शिकारी बना और श्री राम वाली आत्मा श्री कृष्ण बने, और श्री कृष्ण जी का वध विषाक्त तीर यानी जहर से बुझे हुए तीर मार कर उस एक शिकारी ने उनका वध किया। तो उनका अपना भी कर्म भोगना पड़ा, उन भगवानों को जिनकी हम गुण गाया करते थे, जिनको सर्वशक्तिमान बताया करते थे, तो वो भी सर्वशक्तिमान नहीं पाए, ये अविनाशी भी नहीं पाए, क्योंकि इनकी जन्म मृत्यु होती है। इनके पिता कौन है? इनके पिता काल रूपी ब्रह्म है। पुण्यात्माओं, सत्संग के अंदर परमात्मा की याद दिलाई जाती है, आत्मा और परमात्मा की स्थिति बताई जाती है, कौन से कर्म अच्छे हैं कौन से बुरे हैं ये याद दिलाई जाती है, और आपको जो मिशन से जुड़ता है, जो भगवान चाहता है, उसको स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि ये पाप नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे तो तुम सफल होगे, सच्चाई है ये। तो फिर वो आपके क्रियावान कर्म भी बदलवा दिए जाते हैं, जैसे कोई शराब पीता है, कोई चोरी करता है, कोई मिलावट करता है, कोई जारी करता है, कोई और बकवाद करता है, वो सब छुटवाई जाती हैं, वो क्रियावान कर्मों को भी चेंज कर दिया जाता है। प्रारब्ध के अंदर आपकी किस्मत में कोई ज़बरदस्त दुख है, उसको भी परमात्मा हल्का करके नाश कर देते हैं। परमेश्वर शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिक में जय भाग्य में सूली होवा काटे में टल जा। यदि आपके भाग्य में कहीं मृत्यु दंड लिखा हो, कहते काटा लाग के, मनमान एक ठोकर लाग के, अंगूठा फूट के जीवन बच जा, इतना हल्का करके परमात्मा, वो कबीर परमेश्वर आपके प्रारब्ध में लिखे हुए पाप कर्म का विनाश कर देते हैं। और संचित जो कर्म आपके वहाँ रखे हैं डिपॉजिट, उसका भी नाश कर देते हैं। क्या बताते हैं परमेश्वर अपनी महिमा? आप ही बताओ आकर के। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराण घास। हमारे संचित कर्मों का ढेर लगा पड़ा है। हम आप जी को अब मिली है सत साधना, जो सच्ची साधना करनी चाहिए थी, इस सत साधना को ना करके हम जितने भी क्रियाएं करते थे वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण था, वो भगवान के विधान के विपरीत था। श्री मद भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात मनमानी पूजाएं करते हैं, शास्त्र जो शास्त्र अनुकूल नहीं है, तो उनकी न तो गति होती है और न ही उनको कोई सुख होता है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। और इन तीन कामों के लिए ही हम भगवान की भक्ति करते हैं, और वही उन साधनाओं से कोई लाभ नहीं होता जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं। तो उन क्रियाओं से हमें पुण्य बना नहीं, भक्ति धन जुड़ा नहीं, और जो साधना हम करते थे शास्त्र विधि को त्याग कर, उससे पुण्य के स्थान पर पाप बनते रहे। हम जिस लोक में रह रहे हैं ये काल का लोक है, यहाँ सुख नहीं, यहाँ तो सारा निर्दयी कार्य है इस भगवान का, क्योंकि जिसका नाम काल है, जो है ही कसाई, तो वहाँ सुख कैसे हो सकता प्राणी को?
अब इसने ये खुद कहता गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में श्रीमद् भगवत गीता में कि अर्जुन मैं काल हूं और सबको नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। अर्जुन 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में कह रहा है कि ये भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, आप तो ऋषियों के भी खा रहे हो और इस ऋषियों का समुदाय आपके आगे हाथ जोड़ रहा है, मंगल हो बकस दो, आप तो इनको भी खा रहे हो। ये कहता मैं तो काल हूँ भाई, मैं ना छोड़ दूँ किसी ने, और तू ना युद्ध करेगा तो भी मारूंगा इनको, ये तो मार रखे मैंने। तो पुण्यात्मा जो खुद न्यो कह मैं काल हूं और उसको हम भगवान मान रहे, हम तो सांप पूज रहे थे सर्प। अब श्री कृष्ण काल नहीं थे, श्री कृष्ण जी ने इस गीता के ज्ञान से पहले अपने आप को कभी काल नहीं कहा और उसके बाद कभी अपने आप को काल नहीं कहा। ये तो काल जो है ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और ब्रह्मा विष्णु महेश का यू पिता है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की दुर्गा माता है और ये इसको श्राप लगा हुआ ब्रह्म को, इस काल काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, ये काल रूपी ब्रह्म भी कहलाता है। तो उस श्रापवश इसने 100,000 मानव शरीरधारी प्राणी नित आहार करना पड़ता है और उसके लिए हमें यहां रोक रखा है इसने। अब जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों को सब सुविधाएं तो देता है वो, जैसे एक चारों तरफ से उनको बाड़ बना दी, कोई हिंसक पक्षी पशु और ना खा जाए उनको, और चरागाह बनवा दिया उनके लिए, घास फूस बोझे झाड़ उड़ा खूब उत्पन्न हो गए, एक तालाब बनवा दिया, एक शेड डलवा दिया घास फूस का यानी झोंपड़ी, सर्दी लगे तो उसमें आ जाए, वर्षा आवे तो उसके नीचे खड़े हो जाए, और चारा खूब बढ़िया उनके लिए उपस्थित होता है। अब वो बकरे ये सोचते हैं कि हमारा जो मालिक है कितना अच्छा है, कैसी सुविधाएं हमें दे रखी हैं, घास दे रखा है खाने को, चरागाह दे रखे हैं और तालाब बनवा रखा है। अब उन बकरों की इतनी ही बुद्धि काम करती है, लेकिन वो उस समय को भूल जाते हैं जब आता है कहीं से उसको ऑर्डर 20 बकरों का, 10 बकरों का, बकरियों का, तो वो क्या करता है, जाकर के उनसे लेकर डंडा और छांट लेता मोटे मोटे। अब उसमें किसी का बेटा मरो चाहे किसी की बेटी कटो, चाहे माँ कटो चाहे बाप मरो, वो ना देखता है किसका बेटा किसकी माँ है, इसकी माँ का क्या हाल होगा, रोएगी है इसका बच्चे रोएंगे, तो वो तो उनको निकाल लाता है, वह नहीं सोचता, उसके मन में भी ना आती है बातें, उसने तो छांटने हैं मोटे मोटे और जाके कड़च करवा देता है, कटवा देता है। तो यही हालत आप जी की हमारी यहाँ पर हो रही है, आप देखते हो दुर्घटना में परिवार के परिवार नाश हो जाता है, वैसे किसी आपदा में जैसे भूकंप आ गया वहां पर अक्षेत्र नष्ट हो जाता है, किसी परिवार के 4 मर्गे 5 मत, किसी के 6 मत, 4-3 मर्गे हैं, कुछ बालक बचे, किसी का बाप बच गया। तो ये स्थिति हमारी यहाँ पर है, जैसे कसाई के बकरों की होती है, और हम ये सोचते हैं देखो कितना अच्छा भगवान है, कितनी अच्छी पृथ्वी दे रखी है, इस पर अच्छे नाना भिन्न भिन्न प्रकार के फल फ्रूट हैं, काजू किस्म सेब संतरे, कभी झरने बह रहे हैं, बढ़िया दरिया बह रही हैं, नीचे जल है, बहुत अच्छा वातावरण है, और हम संतान उत्पत्ति करते हैं और खाता वो है, लेकिन हम सोच नहीं पाए कि ये हो के रहा है, ये क्या हो रहा हमारे साथ, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी कमजोर बना दी इसने और ऐसा शरीर में हमें फिट कर दिया कि हम ज़्यादा सोच नहीं सकते, इसमें कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई बीमारी या टेंशन, 100 प्रकार की समस्या इसके अंदर।
तो ये ज्ञान भगवान ने आके बताया कि तुम यहां इस काल के लोक में रह रहे हो और यहां तुम सुख खोज रहे हो। तो जो प्रसंग चल रहा है कि ये पाप कर्म का नाश नहीं कर सकते और ये खुद भी दंड भोगते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता हैं ये काल भगवान, और जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, तो हम ऐसे लोक में रह रहे हैं कि उस शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे तो कुछ पुण्य तो हो जाएंगे, लेकिन पाप भी पैरेलल होंगे तो वो अलग से लिखे जाते हैं। जब तक हम परम पूज्य कबीर देव परमेश्वर की शरण में नहीं आते, और वो भी परम संत के माध्यम से, नकली संतों से भी परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो सकोगे, चाहे वो कबीर पंथी भी कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास वो मंत्र नहीं है जिससे परमात्मा हमें लाभ दे सकता है। अब जैसे कोई गणते जंडी काटे तो कोई प्रॉपर वे थोड़ा ही है, वो तो बकवाद है। जंडी काटनी है तो तिखा कुआड़ा चाहिए, कट्टा कट कर दे एक घंटे में साफ, और उस गणके लगा रहो चाहे 10 दिन तक कंडे मोर हो ले, तो साधन ठीक हो परमात्मा के पाने का परमात्मा मिलेंगे। तो प्रसंग चल रहा है कि जिस लोक में हम रह रहे हैं ये ऐसे निर्दयी का लोक है, आप यहाँ अपने पेट के लिए जा रहे हो, जाना पड़ता है, रस्ते में कीड़ी मकोड़ी ना जाने कितने जीव जंतु आपके पैरों के नीचे कुचले जाते हैं, और ये पता भी होता है और फिर भी नहीं बचा जा सकता हमसे। परमात्मा कहते हैं पृथ्वी ऊपर पग जो धार है और करोड़ जीव एक दिन में मारे। अब कहने का भाव ये है कि जो हम साधना करते थे शास्त्र विधि को त्याग कर, उनसे पुण्य तो कोई बना नहीं था क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध होगी, और पाप अपने आप बने थे। जैसे एक एकड़ जमीन है, यानी कोई 2-4 एकड़ जमीन है, उस जमीन में उस पृथ्वी पर यदि उस जमीन से हम कुछ लाभ लेना चाहते हैं, जैसे कणक उगाना चाहते हैं, गेहूं चना बाजरा ज्वार कोई भी फसल हम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने एक विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा। वो घास पहले वाला काटना पड़ेगा, उसमें कोई जाड़बो जड़े उग गए हैं वो काट काट के बाहर करने पड़ेंगे, और फिर हल से ट्रैक्टर से यानी परिश्रम करना पड़ेगा और पैसे लगाने पड़ेंगे, अपनी मेहनत से मजदूरी से या पैसे से उसकी गुड़ाई करनी पड़ेगी, फिर बीज डालना वो भी पैसा, यानी बीज जो डालेंगे चाहे मोल ला कर डालेंगे या अपने घर से डालेंगे तो वो भी पैसा ही लग रहा है, फिर सिंचाई का उसके अपन, फिर अपनी पर्सनल मेहनत, ये सब इतना व्यय करके और समय भी सारा दिन उसी के चक्कर में लगे रहना, तब जा कर के कहीं फसल बनती है, गेहूं प्राप्त होते हैं, और उसी जमीन उसी पृथ्वी को आप बिल्कुल ना छेड़ो, कुछ ना करो, उसमें भी फिर भी अपने आप अड़ंगा उग गया होगा, अपने आप इतना कबाड़ उसके अंदर पुतपन हो जाएगा, वो दिखे भी नहीं पृथ्वी है यहाँ पर, तो वो यूजलेस है। तो पुणात्मा वो घास तो आप पे बन गया, वो अड़ंगा कबाड़ तो आप पे उग गया, और फसल बनाने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ा, और वह भी फसल हो तो वरना भी हो। यहाँ के जो साधनाएं थी वो ऐसे टाइप की थी जैसे कोई इंद्र की गद्दी प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग का राजा बनने के लिए तप या यज्ञ करते हैं, तो उनकी यज्ञ या तपों को खंड करवा दिया करता था वर्तमान राजा इंद्र, क्योंकि यहां राजनीति चलती है, धर्म नीति नहीं चल सकती। धर्म नीति तो परमात्मा के चरणों में आने के बाद हम राज की इच्छा त्याग कर ही धर्म नीति को पर चल सकते हैं, उसको सफल कर सकते हैं।
तो इंद्र अपनी राजनीति के आधार से कि कहीं कोई तेरी गद्दी प्राप्त करने योग्य कोई ऐसा धार्मिक अनुष्ठान ना कर ले तो उनको खत्म करवा देता था किसी ना किसी कारण से, खंड करवा देता। तो वो समझ ले जैसे किसान यहाँ पर खेती तैयार करता है, ओले आगे या वर्षा फ्लड आ गई हो गया नाश कपने बनाए का, या आग लग जाए अपनी बनाई फसल गेहूँ का, तो यहाँ कहने का भाव ये है कि इतनी मेहनत के बाद भी आशा नहीं कि घर आ जाएगी, और घर आती है तो कितना प्रयत्न, और वैसे उसमें अड़ंगा वैसे उग गया उस जमीन में। तो ये हम जिस लोक में रह रहे हैं ये ऐसा स्थान है कि हमने अगर पुण्य करने पड़ेंगे इस शरीर से तो मेहनत करनी पड़ेगी, काम भी छोड़ना पड़ेगा, 10 रुपये भी लगाने पड़ेंगे, तब हम पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और साधना हमारी शास्त्र अनुकूल हो, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण ना हो, तो तब हमें पुण्य मिलेंगे और पाप बराबर में लिखे जाएंगे। पाप अलग लिखे जाते हैं, पुण्य अलग लिखे जाते हैं। जब तक हम कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आते हैं, परम संत के माध्यम से हैं, तब तक हम जो साधना करते हैं चाहे वो शास्त्र अनुकूल भी क्यों ना हो तो भी हमारी दोनों लिखे जाएंगे, पुण्य न्यारे पाप अलग, और दोनों ही हमें प्राप्त होंगे।